गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट से पीठ हथियाराम मठ के नवग्रह वाटिका में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया वृक्षारोपण। खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने सिद्धपीठ हथियाराम मठ पर अपने प्रवास के दूसरे दिन गुरुवार की सुबह संत निवास परिसर के बगीचे में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवग्रह वाटिका की स्थापना के क्रम में पौधारोपण किया। इससे पूर्व वह बैटरी वाले टोटो गाड़ी में सवार होकर पीठाधिपति महामंडलेश्वर स्वामी श्री भवानीनंदन यति जी महाराज के साथ निवर्तमान संतों के तपोस्थली स्थल पर पहुँचे। यहाँ नवग्रहों के अनुसार मान्यता वाले अक्षय वट, श्वेत लाल, चंदन, मौलश्री, रुद्राक्ष आदि के पौधों का रोपण किए। यहाँ से वापस लौटकर बुढ़िया माता का दर्शन किए। उन्होंने बैदपाटी व शहनाई वाले लोगों के साथ कतार में खड़ा होकर फोटो खिंचवाने के साथ ही उन्हें पुरस्कृत भी किया। अंत में महाराज श्री से विदा लेकर मिर्जापुर के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम के सफल समापन पर पीठाधिपति ने सभी स्वयंसेवकों तथा आयोजन में विशेष रूप से योगदान देने वाले सादात के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव और उनकी पूरी टीम को अंगवस्त्रम आदि से सम्मानित किया। वहीं जिलाधिकारी आर्यका अखौरी एवं एसपी ओमवीर सिंह को आशीर्वाद स्वरूप बुढ़िया माता का चुनरी प्रसाद प्रदान किया। दीपं प्रयच्छामि देवाय प्रभात्मने ग्राहिवाम्याघोरादीपज्योति नमोऽस्तुते सोमधारय इन्द्राय पातवे सुतः सदनं पार्वे वो भगद्गिदा को ऊर्जा उदयो व्यन्दो विलाय मतिं महादेहामिप्रियाणो हरिमोचत्वं समुद्रमया हरेतोषिन्द्राय वाचिकाङ्गिणाम्भेन्द्राय वाचिकतमा पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि हस्ते जलमालायो साङ्गायै सपत्नाय।